जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। जी तो आज हम बनाएंगे आलू अंडे की भुजिया, जो कि आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप दोपहर में भी खा सकते हैं, एनी टाइम आप ये खा सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने चार आलू लिए थे जिनको मैंने इस शेप में काट लिया है। मैंने इसमें हरी मिर्चें लेनी है, इसमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं ऐड करती हूँ मैं, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप कोशिश कीजिए करिए कि इसमें मसाले कम ऐड करें। मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो ली है, हल्दी ली है, और वन एंड हाफ स्पून जो है मैंने वो सॉल्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्याज काटे थे मैंने वो भी जो है मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि ये क्वान्टिटी ज़्यादा है इसलिए। तो ये मैंने तीन बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरह काट के तो मैंने रख लिया है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे और साथ साथ में मैं आपको प्रोसेस बताती जाऊंगी। तो व्यूवर्स, प्याज के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया था और इसको मैं हिलाना शुरू कर देती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्याज हैं मैंने बहुत बारीक काटे हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के ना काटिएगा, बस यही दरमियाना सा मीडियम साइज़ में आप चॉप कर दीजिएगा। और ये देखें जी, और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें स्टेप बाई स्टेप हम लोग डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे जी आलू की भुजिया या फिर ये जो आलू अंडे की भुजिया है वो अच्छी नहीं बनती। जी मैंने तो जब भी बनाई है बहुत अच्छी बनती है, निखरी सी बनती है, धुलते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग टमाटर ऐड कर देते हैं, तो याद रखिए कि टमाटर इसमें ऐड ना करिएगा। कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा टमाटर होता है ना वो भी पानी छोड़ देता है, जिस वजह से वो एक अजीब सा जो है उसका लुक आता है। तो वो आलू की जो आलू अंडे की जो भुजिया है वो निखरती नहीं है, अच्छी नहीं बनती है, उसका रीज़न यही होता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसमें टमाटर ना डालिएगा। अगर आपको एज इट सेम ऐसी बनानी है तो जी प्लीज़ आप इसमें टमाटर ना ऐड करिएगा। ये बहुत सिंपल है, आप देखिएगा बहुत सिंपल रेसिपी है। तो ये बस ये देखें, जब ये प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, तो ये इस तरह के प्याज आपको मिलेंगे, ये सॉफ्ट हो गए हैं, मिक्स सॉफ्टनेस आ रही है, तो आप इसमें आलू ऐड कर दीजिएगा। ये देखें जी, इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ, ये देखें। अब इससे क्या होगा कि साथ साथ हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे, और साथ साथ में जो प्याज हैं वो भी फ्राई होते रहेंगे। लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप देखिएगा खुद ही कि आपके आलू अंडे की भुजिया जो है वो कितनी अच्छी शानदार किस्म की बनती है, आप देखिएगा। अभी ये देखें जी, मैंने इसमें डाले हैं तो भी आहिस्ता आहिस्ता प्याज भी साथ साथ में आप देखिएगा ब्राउन हो जाएंगे, और साथ साथ में भी ये जो आलू हैं हमारे वो भी गल जाएंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए, आलूओं ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है, प्याज भी बहुत अच्छे से इनके साथ मैच हो गए हैं, और ये आलू अभी ऐसे हैं कि ये दम पे रखने से पक जाएंगे। अभी मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, ये देखें जो कि कुछ यूँ हैं। हरी मिर्चें मैंने चार अदद ली थी, कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने ली है, हल्दी और नमक, तो ये मैं जी एक साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, ये हमने ऐड कर दिया है। अभी हम इन स्पाइसेस को मिक्स कर देते हैं, और मैं थोड़ी सी जो आंच है मैंने स्लो की थी, ये देखें जी, तो मैं इसको थोड़ा सा जी तेज़ करती हूँ अभी, बस मीडियम सा, ये देखें। और अभी आपने क्या करना है, इसमें अंडे देने हैं, ये देखें जी, ये अंडा दिया, और ये देखें जी, मैंने यहाँ पे फिलहाल तो बस दो अंडे ऐड किए हैं। अगर मुझे लगेगा कि इसमें और ऐड करना है तो मैं और ऐड कर दूँगी, लेकिन इस लेवल पे आपको क्या करना है कि इनको बहुत अच्छे से जी भूनना है, बहुत अच्छे से, कि इसका जो एग वाइट और एग योक जो है वो इनके साथ अलग अलग नहीं रहे। ये देखें जी, बड़े अच्छे से इनको भून लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें,
इसने बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया। और ये देखें जी, बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से। ये देखें, कोई चिपका नहीं है, कोई ऐसे एक वो जो जिसको हम लोग कहते हैं जी घुल सा गया है, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको घूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है वो निकली हुई सी लग रही है। ये देखें, अभी हमें क्या करना है, इनको दम पे रखेंगे। बस जी, अभी मैंने इसको दम पे रखना है और उसके बाद हम देखते हैं जी। जी तो व्यूवर्स, इसको ढके हुए मैंने इसको तकरीबन 3 या 4 मिनट हुए हैं, लेकिन मैं देख लेती हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट बन गई है आलू की भुजिया। अभी हमें इसके ऊपर, मुझे पसंद है लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, मैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो है वो इसके ऊपर डालूंगी और फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी जी। ये आप इस तरह बना के देखिएगा, जिनको आलू अंडा नहीं बनाना आता तो ये उनके लिए जी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत बहुत मज़े की बनती है। आप अपने पराठे के साथ इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है जी। पराठे के साथ मक्खन वाला पराठा हो या आप ऑयल वाला खाते हैं जैसे भी, तो ये देखें जी, ये देखें, ये बहुत ही अच्छी हमारी आलू की जो भुजिया है वो रेडी हो गई है। ये देखें, और मैं आपको अगर आलू भी दिखाऊँ तो ये देखिएगा जी, ये देखें आलू भी एकदम दो हिस्से, ये भी देखें दो हिस्से हो गया है, आलू भी हमारे पक चुके हैं। ये देखें जी, तकरीबन इसको मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं बनाने में। तो ये देखें जी, ये भर के जी रेडी हो गई है। ये देखें, मैं आपको आलू फिर से एक दिखाती हूँ। ये देखें जी, आलू जो हैं वो एकदम गल गए हैं। ये देखें, अभी हम इसमें से आँच जो है बंद कर देंगे। ये देखें, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही थी। ये देखें, और अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ जी। तो व्यूवर्स, ये देखें हमारे आलू अंडे की जो भुजिया है, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये जी स्टीम निकल रही है और ये बहुत मज़े की बनी है। ये सिंपल वे है इसको बनाने का, देखें आप। और ये निखरी हुई है, बिल्कुल घुली नहीं है, बिल्कुल वो चिपका नहीं है साथ में कुछ भी, एकदम निखरा निखरा सा है। आलू अलग दिख रहे हैं आपको, प्याज आपको अलग दिख रहे हैं। तो आई होप व्यूवर्स, आपको मेरी ये आलू अंडे की जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। ये अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय व्यूवर्स।